यूँ तो मैंने आपको इससे पहले भी वीडियोस में ऐसी कई क्लिप्स दिखाया हूँ जिसमें जानवर सांप को मारकर खाए जा रहे थे, फिर चाहे वो नेवला था या फिर डॉग, लेकिन ये सांप शायद मामूली प्रजाति के थे क्योंकि इनकी कई प्रजातियाँ तो इतनी घातक है कि इंसान तो क्या, इनसे तो जंगली जानवर भी दूर ही रहते हैं, जिनमें एनाकोंडा, पिट वाइपर, अजगर और ब्लैक मांबा जैसे कुछ नाम से तो हर कोई वाकिफ है। तो चलिए सीधा इनके अटैक्स को देखें। सबसे पहले आपको दुनिया के सबसे भारी भरकम काया वाले ग्रीन एनाकोंडा का अटैक दिखाते हैं, जिसमें एक बार आप इसके बॉडी पर अपनी नजर फेर लीजिए क्योंकि कुछ ही देर बाद ये पानी में जाने वाला है। दरअसल ये जिस इरादे के साथ आगे बढ़ रहा था वो थे यहाँ आए हुए कैपीबारा, जिन्हें पास आता देख ये पानी में घुसकर अपनी नाक और आँख को बाहर निकाले हुए यहाँ के मैदानी भाग पर मौजूद कैपीबारा और बर्ड्स को देख रहा था कि इनमें से कोई भी इसे मिल जाए और इसका पेट भर सके। जब कुछ कैपीबारा पानी में उतर जाते हैं तो इनमें से एक कैपीबारा यहाँ आकर अपना पेट भरने लगता है, तो इसी को टारगेट बनाकर ये एनाकोंडा निकल पड़ता है। लेकिन जब ये अपनी जगह से हिलता है तो ये एनाकोंडा नीचे झुककर आगे बढ़ता है, जहाँ अब तो ये कैपीबारा यहाँ पहुँच चुका था, जिसके बाद ये एनाकोंडा अंदर जाता है और कैपीबारा के ठीक नीचे जाकर उस पर अचानक से हमला करता है। कैपीबारा भागना चाह रहा था पर ये उसे जकड़ चुका था और अब उसे जिंदा ही निगलना शुरू कर दिया था, जिसे आखिर में जब ये निगल लेता है तो भी उतनी बड़ी बात नहीं हुई थी जितना कि हैरान कर देने वाला क्लिप ये है, क्योंकि अपने रास्ते में आने वाले तमाम जानवरों को खाने वाला ये एनाकोंडा सुअर, एंटीलोप और गाय तक को भी निगलने जा रहा है। बस आप देखते तो जाइए कि किस तरह से ये एनाकोंडा जब यहाँ से निकलकर इस दरिया से होते हुए जब यहाँ आकर ठहरता है तो यहाँ विल्ड बीस्ट और जेब्रा की टोली के साथ एंटीलोप भी आते हैं, जिनमें से एक एंटीलोप पर जब हमला होता है तो बाकी सभी तो भाग गए, पर ये तो अभी भी इसके कुंडली में ही फंसा हुआ था और हर एक सेकंड पर एनाकोंडा की जकड़न और भी मजबूत होते जा रही थी, जिसके कारण एंटीलोप के मरने पर जिस तरह से ये उसे यहाँ निगल रहा था वैसा ही ये एनाकोंडा भी करने वाला है, लेकिन इस बार इसका टारगेट एक सुअर है। इस गार्डन में पहुंचते ही ये एनाकोंडा सोते हुए इस सुअर के पास पहुंचकर पहले उसे अपने सेंस ऑर्गन से भांपता है और अचानक से उस पर हमला करते ही उसे अपने कुंडली में लपेटकर जकड़ते हुए पहले उसका दम घोटता है, फिर उसे पूरा का पूरा निगलते हुए यहाँ से चलते बनता है। और तो और इन्होंने तो गाय के बच्चे जैसे बड़े जानवर को भी नहीं छोड़ा है। जी हाँ, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि किस तरह ये एनाकोंडा पहले इस गाय को यहाँ से खींचकर अपने ठिकाने पर लेकर जाता है, जहाँ ये इसे इसके सिर की ओर से निगलना शुरू करता है, जिसमें पहले तो इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये इसे पूरा निगल जाएगा, पर धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ ये गाय उसके पेट में जाती नजर आती है और आखिर में ये इसे पूरा का पूरा निगल जाता है। खैर, अब आप अपनी नज़र और भी पैनी कर लीजिए क्योंकि अभी जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो रात में तब्दील होने वाला है। प्लीज हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। दरअसल ये इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जहां इन हाथियों जैसे अगर बड़े जानवर रहते हैं तो यहां इन जहरीले सांपों की भी कई प्रजातियां रहती हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि एक हाथी जो कि इसकी ओर बढ़ता चला आ रहा था उसके बिल्कुल करीब आने पर ये उसके सूंड पर स्ट्राइक करता है, जिससे यहां से भागकर ये हाथी मरा या नहीं ये तो नहीं पता, पर उस पर हमला करने के बाद ये सांप यहां से निकल लेता है और पानी के उस पार जाकर पहले तो अपनी ओर आ रहे एक सांप से ही भिड़ जाता है और उसे मारकर तो ये खा जाता है। पर अब यहां रात हो चुकी थी और इससे पहले ही ये यहां से जा चुका था, जहां अब शिकार करने की बारी अजगर की थी, जो कि रात की इस अंधेरे में इतनी आराम से सिर्फ इसलिए आगे बढ़ रहा था क्योंकि यहाँ हिरणों का एक झुंड आया हुआ था और ये अपने हाथ से उनके शिकार का मौका छोड़ना नहीं चाह रहा था। लेकिन फिर भी यहाँ से ये निकल गए थे, पर एक हिरण जो कि बाकी सबसे दूर खड़ा था ये उस पर बिजली की फुर्ती से हमला करता है, जिसके बाद बाकी के हिरण भागते हैं और ये उसे अपने जबड़ों में लॉक करते हुए पहले तो उसकी सांसें रोकता है, उसके बाद ये उसे पूरा का पूरा निगल जाता है। अब आपको बर्ड्स पर स्नैक का अटैक दिखाते हैं, जिसमें सबसे पहले आप गबून वाइपर का अटैक देखिए, जहां ये बर्ड अभी अभी यहां कदम रखी ही थी कि ये वाइपर अलर्ट हो जाता है और दूर से ही इस पर घात लगाए हुए इसकी हर हरकत को नोटिस करते रहता है। फिर जैसे ही ये बर्ड आगे आती है ये उस पर इस तरह से हमला करता है कि उसे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता, जिसके बाद जहर फैलने की वजह से ये मरती है और वाइपर इसका दावत करता है। कुछ ऐसा ही ये रंग बिरंगे से दिखने वाले सांप भी करते हैं, क्योंकि यहाँ आप इन्हें शिकार को ढूंढते देख रहे होंगे, जहाँ की रात होते ही जब यहाँ एक चमगादड़ आता है तो वाइपर उस पर फौरन ही हमला कर देता है, जिसके हमला करने की स्पीड को आप स्लो मोशन में ही देख सकते हैं। पर हमला यही नहीं खत्म होता,
क्योंकि अभी तो इसे भी अपनी भूख मिटानी थी। जिसके आगे जब एक चूहा आता है तो ये भी कोई चुप नहीं करता। खैर ये तो फिर भी छोटे सांप थे, पर ये तो पाइथन था। जिसके आगे ये बतख जब आने की भूल करता है तो इसे अपनी गलती का खामियाजा यहाँ अपनी जान गंवा कर चुकाना पड़ता है। जहाँ ये बतख अजगर के पेट में जाते हुए आखिरी बार दिखाई देता है, जिसके बाद वो इस अजगर के पेट में होता है। पफ एडर जैसे सांप से अगर कुत्ते का सामना हो जाए तो कुत्ते की भलाई इसी में होती है कि वो इस पर अटैक न करे। और ये कुत्ता भी अब तक इसीलिए बचा हुआ था क्योंकि ये इस पर हमला नहीं किया था। जिसके बाद ये पफ एडर यहाँ से निकलकर इस पुराने बंद कमरे में चला जाता है जहाँ की एक चूहा पहले से ही मौजूद था। और यहाँ पहुँचने पर ये एक कोने में दुबक कर बैठ जाता है, जिसके बाद ये चूहा खुद चलते चलते इसके पास पहुँच जाता है। जिसकी आहट मिलते ही ये इस पर कुछ स्फूर्ति के साथ अटैक करता है और पहले तो उसके शरीर में जहर उतार कर उसे छोड़ देता है, और जब वो मर जाता है तो उसे निगल लेता है। क्योंकि नेवले और सांप की लड़ाई हमेशा से ही रोमांचक रही है, इसलिए एक लड़ाई आप भी देख लीजिए, जिसमें पहले तो एक गिलहरी की नज़र इस कोबरा पर पड़ती है जो उसे देखते ही उसके पास पहुँच जाती है और उसकी पूँछ पर काटती है, जिससे कि कोबरा भी पीछे मुड़ता है, पर गिलहरी अब भी उसकी पूंछ को काटे जा रही थी। जिस बीच कोबरा के अचानक एक्टिव होते ही जब वो मुड़ता है तो यहाँ इसे भी पीछे हटना पड़ जाता है। लेकिन इनके इस झड़प की आवाज अब इस नेवले के कानों में भी पड़ चुकी थी, जिसके बाद ये सेकंड भर भी सोचे बिना सांप की ओर दौड़े चला आता है। और यहाँ आने पर जब ये इस पर हमला करने वाला होता है तो कोबरा भी अपना फन उठाकर इसे दो दो हाथ करने को तैयार हो जाता है। इस बीच ये कोबरा इस नेवले के चेहरे पे स्ट्राइक करता है, लेकिन यहाँ इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा था। अब एक क्लिप यह देखिए जहाँ लियोपर्ड जब अजगर पर अपनी ताकत आजमाने की कोशिश करता है तो उसे मुंह की खानी पड़ती है। लियोपर्ड पर ये अजगर इस तरह से अटैक करता है कि ये उस अजगर की कुंडली में फंस जाता है, और ये तेंदुआ इसके कुंडली से छूटने के बाद भागना तो चाह रहा था, पर ये अजगर उसके पैरों को भी जकड़े हुए था। एक फुटेज हमारे पास टाइगर और अजगर की भी है जो काफी पुरानी है, और इसीलिए ये ब्लैक एंड व्हाइट है। पर इसमें आप देखिए कि जब जंगल में टहलते एक टाइगर को अजगर दिखाई देता है तो ये उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद अजगर भी इसे अपनी कुंडली में लपेटने की कोशिश करता है, पर टाइगर उसे ऐसा करने का एक भी मौका ही नहीं दे रहा था और उस पर अपने मजबूत जबड़ों की पकड़ बनाए रखा था। लेकिन आखिर में ये लड़ाई एक ऐसा मोड़ लेती है जब ये टाइगर उस अजगर के कुंडली में फंस जाता है और उसका दम घुटने लगता है, जिसके बाद हर एक सेकंड के साथ टाइगर की ताकत कमजोर पड़ जाती है और आखिर में ये अजगर के आगे घुटने टेक देता है। इस तरह से यहाँ से शुरू टाइगर के हिस्से में आती हुई ये लड़ाई अंत में अजगर के ही हिस्से में आती है। एनिमल्स की वीडियो ये रही, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।